मिलेनियर, इस लेक्चर में हम अपने ऑटो लॉगिन वाले फीचर पे काम करेंगे। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम ऐप को रिफ्रेश करते हैं या हम उसको क्लोज करके ओपन करते हैं तो हमारी ग्लोबल स्टेट रीसेट हो जाती है, और ऑथेंटिकेशन क्योंकि हम फ्रंट एंड पे अपनी ग्लोबल स्टेट के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं तो हम अनऑथेंटिकेटेड हो जाते हैं और हमें लॉग इन करना पड़ता है हर बार, और ये अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। तो इससे बचने के लिए हम एक कस्टम हुक बना सकते हैं और उसकी बेस पे हम जब हमारा ऐप कंपोनेंट लोड होता है तो वहाँ पे हम अपना हुक यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारा टोकन वैलिड है जो हमारे कुकीज़ में एक्सेस और रिफ्रेश टोकन है अगर वो वैलिड है तो उनकी बेस पे हम लॉगिन कर लेंगे ऑटोमेटिकली, और वहाँ से आगे फिर हम यूज़र को ऐप का कंट्रोल दे देंगे। और अगर टोकन इनवैलिड है या टोकन है ही नहीं तो फिर ऐप अपनी नॉर्मल अनऑथेंटिकेटेड स्टेट में डिस्प्ले होगी। यहाँ पे सोर्स में हम एक फोल्डर बना लेते हैं हुक्स का। रिएक्ट में हुक्स ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिनमें हम स्टेट के साथ काम करें, स्टेट को मैनिपुलेट करें। हुक्स में हम एक फाइल बनाते हैं यूज ऑटो लॉगिन डॉट जे एस। अभी तक हमने जितने भी हुक्स यूज़ किए हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन हुक्स हैं रिएक्ट में, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, या फिर जो पैकेजेस में हुक्स हैं जैसे रीडक्स में है यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, और रिएक्ट राउटर में यूज हिस्ट्री या यूज नेविगेटर, तो इन सारों में जो कन्वेंशन है कि इनका नाम यूज़ के कीवर्ड के साथ शुरू हो रहा है। और इसी तरह हमने जो अपना कस्टम हुक बनाया उसका नाम भी हमने यूज़ के साथ शुरू किया, और ये सिंपली एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा, और इसको हम डिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम अपने इनपुट्स ले आते हैं। इस कंपोनेंट में हमें यूज स्टेट चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए, ये दोनों आएंगे रिएक्ट से। हमें चाहिए सेट यूज़र और ये आएगा हमारी स्टेट, हमारे स्टोर से, यूज़र स्लाइस से। इसके अलावा हमने अपनी स्टेट को अपडेट करना होगा तो हमें यूज़ डिस्पैच चाहिए, और एपीआई कॉल के लिए हमें एक्सियोस चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट होगी लोडिंग नाम की, और सेट करने के लिए सेट लोडिंग यूज स्टेट, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होगी, और इसी स्टेट को हम रिटर्न करवाएंगे इस कंपोनेंट से। अगर लोडिंग ट्रू है तो इसका मतलब है कि ऐप लोड हो रही है, और अगर फॉल्स है तो इसका मतलब है कि ऐप लोड हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा यूज़ इफेक्ट का ब्लॉक होगा। यूज़ इफेक्ट में जो इफेक्ट वाला कॉल बैक है इसमें एक इफी होगा या फिर एक फंक्शन होगा, जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में फंक्शन को डिक्लेयर किया उसके बाद उसको कॉल कर दिया। और इस इफी के बाद यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे होगी जो इस केस में एम्प्टी होगी, और इस हुक का जो मेन काम है वो यहीं पे होगा। यहाँ पे हम एक इफी का ब्लॉक बना देते हैं, इसको हम कहते हैं एसिंक फंक्शन ऑटो लॉगिन एपीआई कॉल, और यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एक्सियोस डॉट गेट। और एक बार हम अपने बैकएंड में जाके राउट्स देखते हैं। हमारे बैकएंड में जो रिफ्रेश का एंड पॉइंट है इसको हम यूज़ करेंगे। इसका HTTP मेथड है गेट और एंड पॉइंट है रिफ्रेश, और यहाँ पे जो रिफ्रेश कंट्रोलर है यहाँ पे सबसे पहले ये रिफ्रेश टोकन को पार्स करेगा, उसके बाद वेरीफाई करवाएगा उसको, और अगर वेरीफाई हो जाता है तो ये हमें नए टोकन जनरेट करके दे देगा। और यहाँ पे अगर हम एंड में देखें तो यहाँ पे ये ऑथ हमें ट्रू सेंड कर रहा है, इसका मतलब कि जब रिफ्रेश वाला एंड पॉइंट हम हिट करते हैं और रिस्पांस हमें 200 स्टेटस कोड वाला मतलब सक्सेसफुल रिस्पांस मिलता है
तो हम लॉगिन हो जाते हैं, हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। अब हम फ्रंट एंड पे वापस जाते हैं और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे हमें अपना पाथ चाहिए होगा। हमारा जो बैक एंड का पाथ है वो इस ENV वाली फाइल में है। ये हमारा बेस URL हो गया और इसके आगे जो एंड पॉइंट हमने हिट करना है वो है रिफ्रेश, और जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है इसको हमें वेरिएबल की फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आएगा प्रोसेस डॉट env। इसके अलावा जब हम ये API कॉल कर रहे हैं तो हमें अपने कुकीज़ भी सेंड करना है, विथ क्रेडेंशियल्स को हम ट्रू सेट कर देंगे। और यहाँ पे अब हमने अपनी स्टेट को अपडेट करना है। अगर हम लॉगिन वाले पेज में जाएं तो यहाँ पे जैसे हम यूज़र की स्टेट को अपडेट करते हैं कॉन्स्ट यूज़र, उसके बाद हम डिस्पैच कर देते हैं और वहाँ से हम नेविगेट कर जाते हैं। तो अपने हुक में भी हम ये काम करेंगे और उसके बाद हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे सेट यूज़र, इसको हमें क्योंकि ये नेम्ड इंपोर्ट है, और यूज डिस्पैच, यहाँ पे हमें एक डिस्पैच का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यूज डिस्पैच। और इसके बाद यहाँ पे हम लॉगिन से कोड कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा ब्लॉक हम कॉपी कर लेते हैं और ये इफ ब्लॉक, यहाँ पे आईडी, ईमेल, यूजर नेम और ऑथ, ये चारों चीज़ें हमने अपडेट करनी है और रीडायरेक्ट हमने नहीं करना। इसके अलावा हमने जो स्टेट है उसको अपडेट करना है। हमारी स्टेट जो डिफ़ॉल्ट है वो ट्रू होगी, इसका मतलब कि ऐप लोड हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हमारी API कॉल जो होगी वो सक्सेसफुल होगी, हम ऑथेंटिकेट कर जाएंगे, या फिर अगर हमारे पास कुकीज़ में कोई ख़राबी है या कुकीज़ एक्सपायर हो चुके हैं तो फिर हम जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन इन दोनों केसेस में हमने जो लोडिंग है उसको फॉल्स करना है। और अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल है तो हमारी ग्लोबल स्टेट इस ब्लॉक में अपडेट हो जाएगी, और अगर हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं है तब हमारी ग्लोबल स्टेट सेम अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में ही रहेगी। और इन दोनों केसेस में जब हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे तो हमें UI शो होना शुरू हो जाएगा। async फंक्शन, इसको हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो await है इसको हम try catch में रख लेते हैं, try catch, और ट्राई में ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और अगर कोई एरर आता है तो फिलहाल के लिए हम एरर हैंडलिंग नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। इसको अगर हम एक बार फॉर्मेट कर लें उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये पोर्शन हमारा ट्राई का है और ये हमारा कैच का। ट्राई का मतलब है अगर ट्राई पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल है, और अगर कैच में हमारा कंट्रोल आ जाता है तो इसका मतलब है कि कोई एरर आ रहा है। और इन दोनों केसेस में हमने सेट लोडिंग को फॉल्स करना है, और यहाँ भी
डिस्पैच में भी, और इसको हम एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम, क्योंकि ये जो सेट लोडिंग है ये ट्राई में भी रिपीट हो रहा है और कैच में भी, इसको यहाँ से हटा के हम एक फाइनली का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और ट्राई कैच में एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली का ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जो हर सूरत में रन होता है। अगर कोड में कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, फाइनली में जो कोड है वो तब भी रन होगा, और अगर कोई एक्सेप्शन आ गई है तो फाइनली में जो भी कोड है वो तब भी रन होगा। यहाँ पे फाइनली और फाइनली में हम सेट लोडिंग कर देंगे फॉल्स। अगर ट्राई में जो रिस्पांस था वो सक्सेसफुल हो गया, ग्लोबल स्टेट अपडेट होगी, अब जब सेट लोडिंग फॉल्स होगा तो हमारी जो ऐप रेंडर होगी उसमें हम ऑथेंटिकेटेड स्टेट में होंगे। और अगर यहाँ पे कोई एरर आ जाता और यहाँ पे जो हमारी जो ग्लोबल स्टेट है वो अपडेट नहीं होती, तब जब हमारी सेट लोडिंग फॉल्स होगी तो हम अनऑथेंटिकेटेड स्टेट में अपनी ऐप को रेंडर करेंगे। और यहाँ पे ये जो हुक है ये हम अपने एंट्री पॉइंट में यूज़ करेंगे, और एंट्री पॉइंट हमारा app.js है। यहाँ पे हम इस हुक को इंपोर्ट करेंगे, और इसके अलावा यहाँ पे हमें लोडर भी चाहिए होगा, पोर्ट लोडर और इस auth। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लोडिंग, और लोडिंग में हम कॉल करेंगे अपना हुक, और ये जो रिटर्न हम कर रहे हैं इसको हम कंडीशनल बना देंगे। अगर लोडिंग ट्रू है तो हम रिटर्न करवाएंगे एक लोडर कंपोनेंट, और अगर लोडिंग फॉल्स है तो हम जो चीज़ पहले रिटर्न करवा रहे हैं, जो हमारा अब तक का कोड था, वही सारा कुछ हम रिटर्न करवा देंगे। और लोडर में हम टेक्स्ट में पास कर देते हैं कोई भी रैंडम टेक्स्ट प्लेस होल्डर। अब अगर हम इसको टेस्ट करें, यहाँ पे हम होम में आ गए, और पहले हम लॉगिन करते हैं, अब हम ऑथेंटिकेटेड स्टेट में। अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो हम वापस से ऑथेंटिकेटेड स्टेट में आ चुके हैं। अगर हम साइन आउट करें और फिर इसको रिफ्रेश करें तो हम साइन आउट की फॉर्म में रेंडर करेंगे ऐप को। इसका मतलब है कि हमारा ऑटो लॉगिन वाला फीचर काम कर रहा है।